प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों ने शहरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न कानून के दायरे में रहकर मनाएं और उन्हें अपनी ढेरों बधाइयां दी हैं। उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मंडल के चारों जनपदों में जो आवासित जनमानस है उसको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विकास की नदी हमारे चारों जनपदों में बह रही है, इसको और तेज़ी से उसका वेग बढ़ाते हुए हमें आगे ले जाना है, और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि जनमानस सचेत ना होगा। ये आप ही का पैसा है, ये आप ही की राशि है जो सरकार टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, और आपको विकास कार्यक्रमों विकास कार्यों के माध्यम से पुनः वापस करती है। इसलिए मेरा सबसे प्रथम संदेश ये रहेगा कि जो भी विकास कार्य आपके आसपास हो रहे हैं उसको निष्पक्ष रूप से अपनी नज़र उस पर रखें, देखें कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, देखें कि समयावधि के अंतर्गत काम हो, और उस कार्य को जब हम पूर्ण कर लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्वांचल एक बहुत ही विकसित अंचल प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का होगा। आवश्यकता है और पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का और इस पूर्ण जनमानस का सरकार के साथ साथ दायित्व है। यही तीन बिंदु के साथ मैं पुनः आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष पर देता हूं। धन्यवाद। ये पुलिस परिवार की तरफ से समस्त मंडल के हमारे नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और वर्ष 2019 केवल आंकड़ों के हिसाब से ही नहीं हमारे पूरे परिक्षेत्र में आप महसूस किए होंगे कि इस बार लगभग सभी हत्या डकैती लूट सभी धाराओं में जाते हैं, भारी कमी आई है, और पुलिस को मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भी सभी का इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा, और पुनः मेरी तरफ से सभी को वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ववासी सभी लोग का जिला प्रशासन की तौर से हार्दिक बधाई और नया साल मुबारक हो। इस साल 2020 वो जो नया साल है आपको मंगलम हो, जो चाहते हैं आप लोग मन में जो अच्छी चीज़ है वो आपका शुभम से हो जाए, और जिला प्रशासन आपके साथ हमेशा सहयोगी रूप से रहेगा। जय हिंद जय भारत। सर, धारा 144 में लगी है तो ऐसे में क्या बड़ी पार्टी की गैदरिंग्स के लिए जी देखिए, धारा 144 से डरने की कोई बात नहीं है। देखिए बेसिकली एंटी सोशल गैदरिंग का मना है। अब मान लीजिए कोई शादी पे जा रहे हैं आप, तो ये खुशियाँ का उसी चीज़ पे जा रहे हैं आप, किसी चीज़ का खिलाफ नहीं है, तो उससे धारा 144 से डरने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से करें बस, ताकि आप भी यहाँ का नागरिक है, जिम्मेदारी आपको होना चाहिए था। बाकी जो इसी टाइप का एंटी सोशल गैदरिंग के ऊपर रोके, बाकी तो उस पर तो 144 में कोई आम जनता का कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट में बड़ी कोई आयोजन करना हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का समय समय पर डायरेक्शन है, खासतौर पर 10 बजे के बाद आपको डीजे नहीं बजा सकते हैं, और जो उसके 75 डेसिबल के कम बजाना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो भी कोर्ट में समय समय पे दिया उसी के पालन कराना होगा, और बस बेसिकली देखिए ये कानून नियम आपके लिए बना हुआ है ताकि आपके साथ ही परेशान ना हो जाए, बस इतने तो जिम्मेदारी के साथ आप मनाएं, हम साथ हैं, अच्छा से मनाइए, हैप्पी न्यू ईयर आपका सबको। सिटी वन चैनल को मैं CDO गोरखपुर अनुज सिंह नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। नव वर्ष के इस अवसर पर मैं सभी गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ अनुरोध करता हूं कि कानून का पालन करें। पुलिस आपकी है, आपकी सेवा के लिए है, और पुलिस की मदद लें जहां भी ज़रूरी है, खुद कानून हाथ में मत लें। साथ ही साथ यातायात जागरूकता बहुत ज़रूरी है। 31 दिसंबर को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट और सचेत है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स रात में तैनात है, और स्पेशल शादी वर्दी में भी ड्रोन वगैरह कैमरा से भी हम निगरानी कर रहे हैं, CCTV से, कहीं कोई हुड़दंग नहीं होने देंगे। यदि कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए वर्ष पे पूरे गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, और दूसरा है सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी गोरखपुर पुलिस देना चाहती है, और अगर कहीं पे किसी को किसी प्रकार की सूचना हो या किसी प्रकार की असुविधा हो तो तुरंत पुलिस के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस को या 112 को अवगत कराएं। आदित्य वर्मा, SPTech गोरखपुर। CT1 के माध्यम से नगरवासियों एवं जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों के जीवन में नया वर्ष नई नई सुख समृद्धि की चीज़ें लेके आएगा, और आप लोग उनको सोल्लास ग्रहण करेंगे। साथ में यह भी अनुरोध है कि आप लोग नए साल में
इस बात का संकल्प लें कि यातायात के नियमों का पालन करें और विशेष रूप से हेलमेट धारण करके वाहन चलाएं। हेलमेट को पुलिस के डर से नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। के चैनल को शुभकामना देता हूं और इसके साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे गोरखपुर के जनपदवासियों को और जहां भी आपका चैनल के प्रशासन का मतलब यहां का जाता है प्रशासन जाता है उनके लिए पूरे क्राइम ब्रांच की तरफ से कोतवाली की टीम भी हमारे साथ है। अभी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का अनावरण भी किया। नए वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएँ हो, अपना ख्याल रखें और गंभीरता के साथ ठीक है नए वर्ष का मतलब उत्सव मनाएं और पुलिस आपके लिए सतर्कता से और सजगता से हर समय तत्पर खड़ी रहेगी। सिटी चैनल को पूरे नगर निगम की तरफ से मैं डीके सिन्हा शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे और साथ ही ये अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 4 जनवरी 2020 से दिनांक 31 जनवरी 2020 के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 होगा, उसमें पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा। सभी शहरवासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया पॉजिटिव फीडबैक दें ताकि गोरखपुर की रैंक पूरे भारत में अच्छी हो सके। थैंक यू।